है, तो ये अच्छे PSU बैंकिंग स्टॉक्स खरीदने की राय है। या आप आज का मूवमेंट देख रहे हैं, पूरे हफ्ते का मूवमेंट देखिए, तो आपको अंदाजा लगेगा कि भसीन साहब की राय अगर आपने मानी तो आपने इस हफ्ते क्या मूवमेंट देखा है स्टॉक में। देखिए 9.5% 10% SBI का स्टॉक इतने बड़े शेयर में हफ्ते भर में इतनी तगड़ी कमाई करने की राय जो भसीन साहब ने आपको दी है जबरदस्त है, इसका तो कोई जवाब नहीं। बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए 7%, यहाँ पर भी हमने कमाई कर ली है। लेकिन भसीन साहब IDBI पे चूंकि काफी लोग फंसे हुए हैं, मेरा सवाल एक छोटा सा आपसे ये होगा कि आप कह रहे हैं अवॉइड कीजिए, लेकिन अगर कोई फंसा है तो क्या यहाँ पर भी स्विच करें, या अब आपको लगता है कि ये जो वर्स था वो आ गया है? क्योंकि ये बात तो देखिए सरकारी बैंकों में हम काफी वक्त से सुन रहे हैं कि अब इससे बुरा नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ बुरा होता ही चलता है। क्या लगता है IDBI बैंक का, क्या ये NPS अभी आने वाले क्वार्टर्स में और भी बढ़ सकते हैं या नहीं? तो तीन चीजें हैं प्रदीप, देखिए पहली बात IDBI को अभी रिकैपिटलाइजेशन में काफी एक्सटेंड तक पैसा दिया गया था। दूसरा आपको पता है कि PSE में जितने बैंक्स आए हैं उनके लिए सरकार काफी नए तरह का सुझाव कर रही है, उनको रिकैपिटलाइज करने के लिए भी तैयारी कर रही है। और थर्डली मेरे हिसाब से तेल और रुपए में जो वीकनेस है वो अगले महीने से और कम होती दिखेगी, और इसका मतलब कि ब्याज दरों में इतनी बढ़ने की संभावना नहीं आएगी। ऑन दी अदर हैंड एसेट क्वालिटी धीरे धीरे इंप्रूव होगी, क्योंकि आपने एक किचन एंड सिंक क्वार्टर था। तो आई थिंक दैट अगर आप हैं इसमें इन्वेस्टेड तो बैठे रहिए और मत लेने की चेष्टा कीजिए, और के लिए बहुत अच्छे और शेयर हैं। लेकिन आई डोंट सी टू मच ऑफ यू नो प्रोलॉन्ग्ड मैक्रो वीकनेस हियर, जो होना था वो हो चुका है। तो आई वुड से जस्ट स्टे पुट और विकल्प दीजिए, देखिए जहां इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन यहां पे अभी बने रहिए, कभी ना कभी जरूर इसमें सरकार को अच्छा सा बायर मिल जाएगा। और अगर वो रिकैपिटलाइजेशन जरा जल्दी में होती है तो आई थिंक देन द बैंक शुड बी हैविंग मच बेटर कलर इन द नेक्स्ट वन ईयर। साल में स्थिति बदल सकती है, तो अगर आपके पास है और आप उतना पेशेंस रख पाते हैं, जहर कर पाते हैं आगे की रिस्क, तो होल्ड कीजिए, नई खरीदारी से तो बचा ही जा सकता है। लेकिन इस समय फोकस करते हैं नया ट्रेड कहां पर बनेगा, क्योंकि ढेर सारे काउंटर्स आज वैसे भी भाग चुके हैं, बारी है GST की। और सबसे पहले हेम सिक्योरिटीज के मनोज सचदेव की राय, ये कह रहे हैं कोटक महिंद्रा बैंक खरीद के चले, 1325 का टारगेट, स्टॉप लॉस 1290 का। वही LNT जिसके नतीजे आने वाले हैं सोमवार को, इधर भी BTSD ही है, खरीदें स्टॉक, 1370 का लक्ष्य, स्टॉप लॉस 1337। मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया बाय कॉल दे रहे हैं HDFC बैंक पे, स्टॉप लॉस 1990 पे लगाएं, टारगेट 2025 का आ सकता है। और अगला स्टॉक होगा BPCL, स्टॉप लॉस लगाएंगे 374 पे और टारगेट 391 के। तो देखिए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, हम आपको कह रहे थे कि तेजी की कॉल अब बन रही है, IOC चुना था प्रकाश ने और BPCL पर चंदन अब तेजी की कॉल दे रहे हैं। प्रकाश आप क्या चुन रहे हैं इसके अलावा? मुझे दो स्टॉक्स अच्छे लगते हैं, एक तो है अमरा राजा बैटरीज, काफ़ी हद तक अच्छा लगता है, बेस बना है, जगह अच्छी है यहाँ से ऊपर जाने की, अगर यहाँ से आप मुंह मिलता है तो टारगेट कुछ 800 का होगा, स्टॉप होना चाहिए 780 का। और दूसरा है अपोलो टायर्स, आज टायर क्षेत्र में थोड़ी हरकत है, अच्छा बेस बना हुआ है और यहाँ पर अच्छा अपमूव मिला हुआ है, इसका टेक्निकल टारगेट्स अपोलो टायर्स का है 282, स्टॉप होना चाहिए 276 का। अपोलो और अमर राजा दोनों में तेजी की पोजीशन लेकर चले। बागले साहब आप क्या ले रहे हैं? हर्षद आप दोनों BTSD है, पहला है बजाज फिनसर्व, स्टॉप लॉस होगा 6015, टारगेट 6174 और दूसरा है अडानी पोर्ट्स, स्टॉप लॉस होगा 375, टारगेट 393। ओके तो ये है BTSD कॉल्स बागले साहब की तरफ से। हमारे साथ निर्मल बैंक सिक्योरिटीज के विकास सालुंखे भी जुड़ चुके हैं। विकास आप क्या चुनेंगे? जी हाँ प्रदीप, मेरे भी दो BTSD कॉल रहेंगे। मेरा फर्स्ट है इक्विटास में जिस हिसाब से सेलिंग प्रेशर देखा गया था वहां से मुझे लगता है वहां से एक ओवर सोल्ड बॉन्ड से एक वापस बाउंस बैक देखने मिल रहा है, तो मुझे लगता है वापस 168 के आसपास के यहाँ पे लेवल इक्विटास में एक से दो दिन में भी मंडे को देखने मिल सकते हैं। नीचे में 154-155 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट है, तो वहां पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके इसको बाय करके जाना चाहिए। मेरा दूसरा कॉल रहेगा HPCL, जिस हिसाब से स्टॉक में रिजल्ट के बाद और लास्ट कुछ दिनों में ऑफ देखने मिला था, मुझे लगता है यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग और प्लस मुझे लगता है कि यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम बना सकता है, तो अपसाइड में 306-310 के आसपास के टारगेट यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। नीचे में 284 के आसपास का एक स्टॉप लॉस।
HPCL और Equitas, तो ये बढ़िया ट्रेड्स हमारे सारे जानकार कह रहे हैं, तेजी करके जाइए, तेजी आगे बने रहने के पूरे आसार हैं। एक स्टॉक जो इस समय एक्टिव हो चला है और नतीजे आएंगे सोमवार को, अरबिंदो फार्मा 600 की तरफ बढ़ गया है, 594 के लेवल्स, 2% का इजाफा ओपन इंटरेस्ट में, 1.5% ऊपर है स्टॉक। प्रकाश क्या खरीदेंगे? खरीदना चाहिए, 585 का जब जोन क्रॉस हो गया तो वहाँ पर एक बाई सिग्नल जनरेट हुआ अरबिंदो फार्मा में। मुझे लगता है इसका टेक्निकल टारगेट कुछ 610 का होना चाहिए, एक या दो दिन लग सकते हैं, स्टॉप किसी को लगाना है तो 580 का जरूरी है। वागे साहब, इस पर आपकी क्या राय बन रही है, क्या कोई ट्रेड लेंगे? और आपका तो एक्सपोजर था ना इसमें, अभी भी होल्ड करते हैं कि नहीं? अरे नहीं, अब अगले साहब की आवाज नहीं आ रही, उनसे उनके ऑडियो में कुछ दिक्कत है, तो वापस लौटेंगे और उनसे जानेंगे जरूर कि अरबिंदो पर इनकी क्या नजर है, लेकिन मोमेंटम में तो है स्टॉक। प्रदीप बिल्कुल, लेकिन वायदा कारोबार पर नजर डालिए और हम ये अंदाजा लगाने की अगर कोशिश करें कि किन स्टॉक्स पर आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए, किस लिए? क्योंकि इन दिनों लगातार हर रोज हर्षदाम देखते हैं, एक या दो स्टॉक बैन में चले जाते हैं, एक या दो स्टॉक बाहर आते हैं, और कुछ स्टॉक ऐसे इंटरेस्टिंग है जो बाहर आते ही फिर चले जाते हैं, जैसे कि जस्ट डायल देखिए, अभी तो बाहर आया और फिर से ये बैन में जाने की तैयारी कर रहा है। यहाँ पर काफी तगड़ी पोजीशंस बनी हैं और इसको देखते हुए लगता है कि कल तक ये बैन में जा सकता है। इसके अलावा हमारी नजर डिश टीवी पर भी है और IDBI बैंक, ये तो मुझे लगता है पक्का ही अब इस नतीजे के आने के बाद जो मंदी हो रही है उसके बाद तो ये बैन में जाने ही वाला है। विकास सालुंखे हमारे साथ हैं। विकास, जरा देखिए, जस्ट डायल, डिश टीवी और IDBI बैंक, ये वो स्टॉक्स हैं जहां पर हमें लगता है कि ये बैन में जा सकते हैं, आपका क्या अंदाजा है? और अगर ऐसा है तो आज क्या एडवाइस करेंगे फिर आप किसी भी क्लाइंट को जिनके पास ये पोजीशंस हों? जी प्रदीप जी, मुझे भी लग रहा है कि डिश टीवी और इस हिसाब से IDBI बैंक में अभी जस्ट मोमेंट हुआ, तो मुझे लगता है दो सेक्टर तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बैंड में जा सकते हैं। बट ओवरऑल अगर चार्ट पैटर्न यहाँ पे देखो तो यहाँ पे अभी भी मुझे लगता है कि डिश टीवी और जस्ट डायल जिस हिसाब से मोमेंटम रखा है तो वो थोड़ा सा स्लाइडली पॉजिटिव है, जिनके पास है तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग करके जा सकते हैं। और मुझे लगता है IDBI बैंक में मुझे लगता है कि यहाँ से एक सेल ऑफ आ सकता है, तो ओवरऑल यहाँ पे जो IDBI बैंक का जो स्टेटस लगता है कि वो नीचे में 60-60 के आसपास के लेवल्स वापस दिखा सकता है। तो यहाँ पे गिरावट की कॉल तो सभी लोग दे रहे हैं। मेरा सवाल आपसे विकास ये है कि अगर आपको ऐसा अंदाजा लगे कि ये स्टॉक बैन में जाने वाला है तो आप अपने क्लाइंट को उस पर कोई एडवाइस देते हैं इस वजह से, क्योंकि ये बैन में जा सकता है तो कोई प्रिकॉशन लें? जी प्रदीप जी, जैसे कि हमारे यहाँ पे डेरिवेटिव और इसमें जो स्टेटस है वहाँ पे हम लोग मेंशन करके रखते हैं कि ये कॉल जा सकते हैं, तो जिनके पास पोजीशन है हम लोग उनको सेपरेट साइड एग्जिट करने यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। क्योंकि IDBI में इस नतीजे के बाद भी अगर ये बैन में चला गया तो फॉलो अप शॉर्टिंग नहीं हो पाएगी और इस वजह से इसको सपोर्ट मिल सकता है। शायद वागले साहब जो 62 का लेवल कह रहे थे टिकता हुआ दिख सकता है, क्योंकि अगर ये बैन में गया तो थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन देखिए कैश में बेचने वालों को तो आप रोक नहीं सकते फिर भी। जी हाँ, और प्रदीप देखिए आखिरी 20 मिनट बाकी और 20 मिनटों के ट्रेड में पोजीशंस और भी तेजी से लोग बना रहे हैं और बढ़ा भी रहे हैं मौजूदा लेवल्स में। अदानी एंटरप्राइजेस में अब थोड़ा सा मूव आने लगा है, 4.5% का उछाल इसमें। गोदरेज एग्रोवेट कल भागा था काफी ज्यादा, 650 के लेवल अब आ गए हैं, नतीजे हमने देख लिए, उसके बाद थोड़ा सा साइडवेज मूव दिखा रहा था, लेकिन कल काफी रफ्तार थी स्टॉक में। भसीन साहब, गोदरेज एग्रोवेट पर आपकी क्या राय रहेगी, क्या मौजूदा भाव पर लेंगे स्टॉक को? हाँ, गोदरेज एग्रोवेट, रैलीज इंडिया, UPL, ये एक अच्छे बास्केट में आते हैं, और अगर मॉनसून जिसका अनुमान है कि बहुत अच्छा है तो आई थिंक ऑल थ्री शुड शो अ गुड मूव। यहाँ पे ये केवियट है कि UPL और रैलीज ने रिजल्ट्स पे थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है, बट हमें लगता है ये ऐसे ब्लू चिप्स हैं, इनका आई थिंक नेक्स्ट टू क्वार्टर्स में आपको टर्न अराउंड दिखना चाहिए। दे आर वेरी गुड कंपनीज फ्रॉम पेडिग्री नेम्स लाइक फ्रॉम द टाटाज एंड मिस्टर श्रॉफ, और मुझे लगता है गोदरेज एग्रोगेट का तो आपको बैकग्राउंड पता ही है, ऑल थ्री शुड बी बॉट ऑन डिक्लाइन एज अ प्ले ऑन द एग्रोकेमिकल एंड द मॉनसून विच वी एक्सपेक्ट टू बी गुड। और उम्मीद है कि अगले 24 घंटे में मॉनसून दस्तक देगा अंडमान में, तो ये आपके लिए मुंबई की तारीख भी आ गई, स्काईमेट ने कह दिया है 6 और 7 जून तक मुंबई पहुंच जाएगा मॉनसून, और ऑलरेडी एक
प्री मानसून बारिश की तैयारी चली रही है इन दिनों, हो सकता है इस वीकेंड भी आपको थोड़ी बारिश मुंबई में देखने को मिले, लेकिन 3-4 दिन हो चुके हैं बल्कि स्टॉक में एक तेजी बनी है प्रकाश। गोदरेज एग्रोवेट देखिए, हमारा एक काफी पॉपुलर स्टॉक है, काफी एक्सपर्ट्स इस पे तेजी की कॉल देते हैं, ट्रेडर्स के लिए कोई मौका है क्या? इन्वेस्टर के लिए तो भसीन साहब ने राय दे दी है, डिप्स में मौका है क्योंकि 5 दिनों से लगातार बढ़त देख रहे हैं। मुझे लगता है जब तक ये 130 के करीब नहीं आता तब तक लेना नहीं चाहिए, अपमूव है इसमें, लेकिन इसमें डिप्स का इंतजार करना चाहिए। टारगेट अंदाज है कुछ 680 के, 680 आपने कहा गोदरेज एग्रोवेट, राइट? एब्सोल्युटली, लेकिन डिप्स का इंतजार करना चाहिए, गिरावट पर खरीदें। और हमारे डायरेक्टर साहब अश्विन अपडेट दे रहे हैं, चैनल चेक उनकी ओर से आ रहा है, आंदमान में बारिश हो रही है, दस्तक दे चुका है मानसून। तो देखिए मानसून की भी चाल हम आपको बता रहे हैं कि कहां कहां पर पहुंची है और यहां से आगे मामला कितना और बढ़ेगा। वैसे इस अपडेट को सुबह में बाजार ने थोड़ा सा इग्नोर किया क्योंकि बाकी कई सारी चीजें थी जिस पर बाजार ने रिएक्ट किया और एक्शन बना। ऐसी स्थिति में भसीन साहब, ये मानसून की कहानी में आपने कहा रैलिस, गोदरेज एग्रोवेट और यूपीएल अच्छे तेजी के खिलाड़ी साबित होंगे। एफएमसीजी कंपनियों में आईटीसी का जिक्र अश्विनी गुजराल कुछ ही देर पहले कर रहे थे, इनमें से क्या कुछ आप लेंगे? हाँ, तो आईटीसी तो मेरा टॉप फेवरेट रहा है, 255.60 से आज एक्स डिविडेंड हो गया है और हमें लगता है 325 रुपए का भाव होना चाहिए आईटीसी। इट इज द बेस्ट प्ले ऑन आईटीसी, हरियाली, द सिगरेट्स बिजनेस, एफएमसीजी, होटल, पेपर, में आई कैन गो ऑन। और साथ में आप ये लेकिन चलिए कि एग्री स्पेंडिंग और ये एक इलेक्शन ईयर है, रूरल स्पेंडिंग और में फ्रीबीज आएंगे, तो नेस्ले, एचयूएल, डाबर, पिडिलाइट, ये सारा कंजम्पशन स्पेस हर्षिता आपको ये बता रहा है कि हमारे फंडामेंटल्स कितने इंप्रूव हो रहे हैं, हाउस होल्ड स्पेंडिंग कितनी बढ़ रही है। और मैं सोचता हूं कि जो मैं पहले भी कह चुका हूं, डोंट मिस द वुड्स फॉर द ट्रीज, सिर्फ तेल और रुपए को मत देखिए क्योंकि आपके पास मौका लेने का है। जो फॉरेन सेलिंग है या यहाँ पे लोकली मिड कैप में जो कारने जाई है बिकॉज ऑफ रीबैलेंसिंग ऑफ पोर्टफोलियो, वो आपको एक बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट देता है। तो जैसे आपको कहा है बाय द फियर, और उसमें ये दिग्गज नाम भी हैं और कुछ मिड कैप के और भी नाम हैं जो हमें बहुत पसंद हैं, उनमें आप दारोमदार लगाइए क्योंकि अगले 3-4 महीने हमारे हिसाब से शेयर बाजार के लिए बहुत अच्छे होंगे। आपके कौन से नाम है एक दो बता दीजिए। तो लार्ज कैप में अगर मैं कहूं तो अल्ट्राटेक सीमेंट 3650 पे बहुत ही अच्छा लग रहा है, उसी तरह से 1300 के भाव पे एसीसी, सेल इंडिया एक प्रेफर्ड प्ले है, ऑन द स्टील साइकिल 67-68 था ये कल, नागार्जुना कंस्ट्रक्शन, एनबीसीसी, डॉक्टर लाल, ये डॉक्टर लाल पैथलैब्स है, इट्स अ वेरी गुड ब्रांड और हमें लगता है यहां से 30% की तेजी आपको इसमें दिखनी चाहिए। इमामी हो गया, महिंद्रा हो गया, जी एंटरटेनमेंट है, ये सारे मिक्स्ड, आई कैन गो ऑन। तो ये सारी लिस्ट को आप लीजिए, इनमें बहुत ज्यादा कंफर्ट दिख रहा है और अर्निंग्स की विजिबिलिटी बहुत अच्छी लग रही है अगले 6-9 महीने की। Okay. आपके कुछ नाम डॉक्टर लाल, एनबीसीसी और इमामी, इनमें तेजी। प्रदीप, एनबीएफसी कंपनियों में इंडिया बुल्स हाउसिंग पर हमारी नजर गई थी, दीवान हाउसिंग देखिए इसमें मोमेंटम आ रहा है, कैश मार्केट में तो भागा है लेकिन वायदे में अभी भी पोजीशंस इतनी ऐड नहीं हो रही, हालांकि ओपन इंटरेस्ट अभी भी कुछ कम घटा हुआ ही दिखाई दे रहा है। विकास, इस पर एक राय दीजिए, हो क्या रहा है और वायदे बाजार के ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए? जी अर्षद, अगर इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो लास्ट कुछ दिनों से डाउन ट्रेड में था और ओवर सोल्ड जोन में जा चुका था काउंटर। आज अगर इसमें अगर ट्रेडिंग अगर देख रहे हो तो एक बाउंस बैक देखने मिला, वॉल्यूम ब्रेकआउट भी यहाँ पे आज लास्ट के एक घंटे में देखने मिला, तो मुझे लगता है यहाँ से जो मोमेंटम जो है और जो भी चार्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे कि यहाँ से एक मोमेंटम कैरी कर सकता, मुझे लगता है वापस से 50 DMA में जो है 1260 के आसपास जो है वहां तक वापस बाउंस बैक कर सकता है। ओवरऑल यहाँ पे जो चार्ट पैटर्न है यहाँ पे पॉजिटिव लग रहा है, मुझे लगता है नीचे में 1140 के आसपास का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना चुका है, तो वहां पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके इस काउंटर को बाय कर सकते हैं। किस स्टॉक की बात कर रहे हैं? दीवान हाउसिंग, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। अच्छा, इंडिया बुल हाउसिंग, इन्होंने 1140 बोला इसलिए मुझे लगा कि कंफ्यूजन हो गई। तो देखिए वो लेवल्स, अच्छा एक बार फिर से सिर्फ लेवल बता दीजिए इंडिया बुल हाउसिंग के और चार्ट, अब आपको सही चार्ट दिखा देते हैं, अब बताइए विकास।
इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस जो लास्ट कुछ दिनों में डाउन ट्रेंड चल रहा था ओवर सोल्ड में जा चुका था, तो मुझे लगता है यहाँ से एक अच्छा खासा एक बाउंस बैक आज देखने वाला, वॉल्यूम ब्रेकआउट भी यहाँ पे अगर देखोगे तो अच्छा खासा मिल रहा है, लास्ट के एक घंटे में एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे कैरी हुआ, तो मुझे लगता है ऊपर में जो 50 DM है वहां तक ये काउंटर अपसाइड मूवमेंट कर सकता है, तो 1260-1250 के आसपास के यहाँ पे टारगेट बन सकते हैं। नीचे में और यहाँ पे अगर 1140 पर एक स्टॉप लॉस लगाएंगे विकास, बाजार बंद होने वाला है, देखिए जहां भी हमें मूवमेंट दिख रहा है इसको तुरंत स्पॉट करना चाहिए। वो खाट एक शेयर है जो काफी अच्छा रिवर्सल दिखा रहा है ऐसा मुझे लगता है प्रकाश, देखिए 4 दिनों से एक रेंज में घूम रहा था, आज तेजी पकड़ी है, दिन के हाईस के आसपास बंद हो रहा है, ट्रेडर्स डिलाइट है, हालांकि फंडामेंटल्स को लेकर 50 सवाल हो सकते हैं, लेकिन फार्मा में एक तो थोड़ा मुझे स्ट्रेंथ दिख रही है, वो खाट लेके जाएंगे आज? बिल्कुल, मुझे लगता है अच्छी जगह से बेस बनाए, जगह अच्छी है खरीदने की, एक संकेत दिया था जब इसने क्रॉस किया था करीब 664 का, ऑन द अपसाइड जो टारगेट है 700-705, लेकिन यहाँ पर जरूर निकल जाना चाहिए, 700-705 पे आप मुनाफा वसूल कर लेंगे वो खाट में। फिलहाल ये एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड दिखता है। आप एनबीएफसी की बात कर रहे थे अर्षिता, तो पीएफसी पे मेरी नजर की, देखिए इसने पूरी बढ़त अपनी गंवा दी है दिन के दौरान जो देखने को मिली थी, नतीजे तो इंटरेस्टिंग है, इनफैक्ट सरकार का करीब 22,000 करोड़ का जो रिस्ट्रक्चर्ड लोन था वो अपग्रेड हुआ है, तो हम बैंकों की फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करते हैं तो स्ट्रेस देखते हैं, रिस्ट्रक्चर्ड लोन एनपीएस, और यहाँ इतना बड़ा अपग्रेड आने के बाद भी ये टिका नहीं। भसीन साहब क्या भी हो आपका पीएफसी पे इस समय, ये मेरे ख्याल से अपने 52-week लोस के आसपास ही चल रहा है, तो ऐसे तो मेरा ख्याल है कि एक अच्छा इंटरेस्टिंग लेवल है, बल्कि 2-3 साल के लोस के आसपास ये चल रहा है, वापस जहाँ आया है 70-75 के आसपास, क्या कॉल देते हैं आप? तो आज जो उसके रिजल्ट्स हैं वो तो बहुत ही अच्छे हैं मेरे हिसाब से, उन्होंने रिस्ट्रक्चर्ड बुक में राइट बैक दिया है, और सरकार की तरफ से जो एसेट क्वालिटी राइट डाउन की थी वो बहुत ही मिनिमाइज हो गई है, 57,000 से मेरे ख्याल 25,000 की बुक आई है, जबकि आपको पता है पावर एसेट्स में स्टेट डिस्कॉम से एक दिन का भी आरबीआई ने परमिशन नहीं दी, आई थिंक द रिजल्ट्स आर अ नो ब्रेनर। प्रदीप, ये शेयर ये और REC स्पेशल आरबीआई एक्ट से बने हैं, इनमें कभी कोई डेलिंक्वेंसीज इतनी बनती नहीं है, और जो ये रिस्ट्रक्चर आपने देखा ये एक क्वार्टर की बात है, द मैनेजमेंट हैज साउंडेड वेरी पॉजिटिव। साथ में ये लेके चलिए कि पावर कंजम्पशन इज एट एन ऑल टाइम हाई बिकॉज ऑफ द हीट, और पावर रेट स्पॉट पावर के मर्चेंट रेट्स हाईएस्ट रेट हैं जो लास्ट 5 साल में नहीं देखे। आई थिंक इट कैन ओनली स्पेल गुड न्यूज, क्योंकि नेगेटिव रेटरिक और रोज ये अखबारों में जो आती है न्यूज उसको अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो ये मेरे हिसाब से तो 125 रुपए का शेयर होना चाहिए इन द नेक्स्ट 1 ईयर। तो एक कॉन्ट्रा कॉल उस दिन जिस दिन बाजार एकदम निगेट कर रहा है इसकी अर्निंग्स को, 113 के आसपास REC, और देखिए PFC तो 75 के आसपास टिका हुआ है। NCC में मोमेंटम और बढ़ा है पिछले कुछ मिनटों में, अब 2.5% तक की तेजी। पेज इंडस्ट्रीज, मैंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइजर, स्पाइस जेट जैसे काउंटर्स भागे आज 102 के ऊपर। वागे साहब याद है आपको 2 दिन पहले मैंने आप स्पाइस जेट पर राय मांगी थी, बहुत रिलक्टेंस था, लेकिन धीरे धीरे करके देखिए स्टॉक तो बढ़ा है, अब 102 पर अगर किसी ने उस दिन लिया क्या किया जाए? एक सौ दस तक के अपसाइड हो सकते हैं, मुझे उससे ऊपर की मेरा बड़ा वाला व्यू नहीं है। ऑन द डाउन साइड 98 के नीचे जाएगा तो यह स्टॉक वीक होगा। मुझे याद आ रहा है सदा, अगर हम कल सुबह जो वीके शर्मा जी हमारे साथ जुड़े थे कुछ देर के लिए, अगर वो विजुअल्स हमने निकाल के रखे होते और हम वो आपको दिखा पाते, उन्होंने एक ही बात कही थी, एक ही कॉल वो ले रहे थे बार बार कि कच्चा तेल अब नीचे आने वाला है। उन्होंने आज सुबह कहा, आज फिर से उन्होंने दोहराया, लेकिन मैं कल से इसलिए याद कर रहा हूँ कि कल के नीचे के लेवल से अब तक की तेजी आप देखिए बाजार में जो आई है, तो वो डिस्काउंटिंग हो रही है, और अब तो देखिए आज जो बेतहाशा गिरावट का रुख शुरू हुआ 77.5 के भी नीचे फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये असर है जो हम सुबह आज बात कर रहे थे कि पहले सऊदी अरब ने कहा और अब रशिया ने भी कह दिया है कि वो प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। अब मेरे दिमाग में तो एक ही सवाल है, कल सुबह क्या पेट्रोल सस्ता होगा? रोज दाम बढ़ जाते हैं प्रकाश कह रहे नहीं, ढाई डॉलर नीचे आ गया, लेकिन देखना भी बंद कर लिया है। मेरा ख्याल है कि जो बैकलॉग था, और हम कोशिश करेंगे, मेरे ख्याल से असीम हर रोज इसका अपडेट दे रहे थे, इनफैक्ट असीम को लग जाना चाहिए अभी काम पर, मिनिस्ट्री को फोन लगाना शुरू करें कि क्या प्रेशर बनाएंगे कि जब मुझे लगता है कि ब्रेक इवन अब हो गया होगा इन कंपनीज का, अब इनको और दाम बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन ये चलिए कल सुबह पता चलेगा।
कि वाकई में ऐसा हुआ या नहीं हुआ, ये दाम फिर से बढ़े क्या, लेकिन बहुत ही जबरदस्त ये करेक्शन आप आते हुए देख रहे हैं। भसीन साहब, ये बताइए, अगर आपको इस वक्त इसी पर बेट करना हो कि जो क्रूड गिर रहा है, अगर क्रूड और गिरता है यहाँ से, ये मानते हुए आपको ट्रेड लेना हो, तो आपका पसंदीदा कोई एक या दो स्टॉक कौन से होंगे? अविनाश, आपसे भी यही सवाल पूछेंगे हम आगे। तो दो दो मेरे पसंदीदा पीएसयू स्टॉक्स हैं। एक तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ये 155.60 में आपको मिले तो आंखें बंद करके लीजिए। इसमें जो अटकली ऑयल की है वो सब प्राइस इन हो चुकी है, देर विल बी हार्डली एनी सब्सिडी, और इनका जो बाकी डेरिवेटिव्स हैं वो बहुत बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं। जीआरएम भी इनकी स्ट्रांग है, आईओसी कैन इजिली गिव यू 185। दूसरा एक इंजीनियर्स इंडिया आएगा, जो प्रॉक्सी प्ले है ऑन द हाइड्रोकार्बन एंड पेट्रोकेमिकल सेक्टर, और जो ये जितनी ओएमसीज हैं उनका जो एक्सपेंशन होता है वो सब इसी कंपनी से होता है। साथ में इसके पास अब स्मार्ट सिटी के भी कॉन्ट्रैक्ट बहुत जोर से आ रहे हैं। तो इंजीनियर्स इंडिया ये 135.40 में मुझे बहुत पसंद है, 175 रुपए का टारगेट होना चाहिए इसका 6 महीने में। 175 का टारगेट आप कह रहे हैं, इंजीनियर्स इंडिया में एक्शन बनता हुआ दिखाई देगा, यह है कि मेरे ख्याल में आज नंबर्स भी आने वाले हैं। बिल्कुल, आज इंतजार तो है, इंतजार है, लेकिन 4% ये कॉल आपके लिए इन्वेस्टमेंट की कॉल आ रही है फिलहाल इस तेजी में। लेकिन अविनाश, क्रूड पर आप क्या लेंगे बताइए? नहीं, मुझे लग रहा है कि मुझे भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में आईओसी पसंद है, और दूसरा स्टॉक जो हमको पसंद है वो कैस्ट्रॉल रहेगा। प्रदीप, कैस्ट्रॉल भी एक वेल नोन काफी डोमिनेंट प्लेयर है लुब्रिकेंट स्पेस में, और इनके लिए भी क्रूड के प्राइसेस अगर कम होते हैं तो इनका जो मेन रॉ मटेरियल है वो बेस ऑयल है जो क्रूड का एक डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे डेफिनेटली एक तेजी का अपसाइड आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो ये अगर कंटिन्यूएशन होता है क्रूड के प्राइसेस में वीकनिंग, तो आपको दोनों ही शेयर्स में एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, अर्निंग्स रिकवरी जरूर काफी स्ट्रांग रहेगी ये दोनों ही कंपनीज के लिए। चला है, लेकिन ये स्टॉक देखिए आप, कैस्ट्रॉल जबरदस्त रिकवरी देखने को मिली है। आज का इसका लो था 163 और इस वक्त आ चुका है ये 175.76 पे, काफी तेजी हालांकि हो गई है प्रकाश, लेकिन अगर आप इसी को थोड़ा सा लंबा देखें तो 2 महीने पहले 215 था, तो आज 175 भी अभी तो काफी नीचे है, ट्रेड है क्या? मुझे लगता है लेना चाहिए, लेकिन थोड़ा उस पर वक्त गुजारना चाहिए। इसमें अब जो भी डिप्स मिलती है कैस्ट्रॉल में, ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। स्टॉप होना चाहिए 163, अगर आपसे वो स्टॉप सहन नहीं होता तो क्वांटिटी कम कर लेना चाहिए, लेकिन लेना जरूर चाहिए। इसका टारगेट मुझे 180 से 190 नजर आता है, वक्त लगेगा। 180 से 190 देखिए, कैस्ट्रॉल में सिर्फ फंडामेंटली नहीं टेक्निकल भी मजबूती है। कच्चे तेल में देखिए भारी भरकम गिरावट आई है, ब्रेंट $77 और नाइमेक्स पर जो आप WTI का प्राइस देखते हैं उसमें भी करीब करीब 3% तक का करेक्शन है, और साथ ही रुपया भी आज काफी मजबूत हुआ है। 68.34 तक के लेवल देखे थे, उसके बाद 68.24 के आसपास आया, आप देखिए 67.72, इसका अंदाजा बिल्कुल नहीं था। तो अगले साहब, आप 70 एंड बियॉन्ड की बात कर रहे थे, ये 67.72 पर आ चुका है, तो आप थोड़े बहुत डॉलर अभी से खरीदना शुरू कर लीजिए अगर आप छुट्टी प्लान कर रहे हैं, एक्शन तो भरपूर है। लेकिन वागले साहब से एक दूसरी बात मैं पूछना चाहूंगा, ये जो लगातार आईटी स्टॉक्स में तेजी कर रहे थे, क्या थोड़ा प्रॉफिट बुक करेंगे वागले साहब? क्योंकि आईटी पे सीधा एडवांटेज था, रुपए की कमजोरी का रिवर्स हो रहा है, प्रॉफिट बुकिंग का मौका देखते हैं। नहीं दिखाई देता है, हमने आज सुबह NIIT की बात की थी, वो 4% नियरली ऊपर है, इंट्राडे के टारगेट्स भी आ चुके हैं, TCS जिस तरह से जा रहा है, टाटा एलेक्सी जिस तरह से पैटर्न बन रहा है, मुझे कोई वीकनेस तो नहीं दिखाई देता है। हाँ, प्रॉफिट बुकिंग करना कोई भी मार्केट में इट ऑलवेज मेक सेंस। अब आप क्या कहेंगे, आईटी में जिन लोगों ने अच्छी कमाई की है, और देखिए करीब फरवरी से लेकर के पिछले 3-4 महीने बहुत अच्छे रहे हैं, क्या रुपए में अगर मजबूती आती है तो ये करेक्ट होगा, या आपको लगता है दूसरे फंडामेंटल फैक्टर्स हैं, चिंता ना करें? भसीन साहब, हाँ तो प्रदीप, उसमें TCS तो एक मस्ट हैव है एक पोर्टफोलियो में, आई थिंक वो कोई भी डिक्लाइन में मिले तो लीजिए, डोंट रन अवे फ्रॉम द फैक्ट के रुपया वीकनेस नहीं है, उसके फंडामेंटली बिजनेस बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे एक कंपनी जो मैं अवॉइड कर सकता हूँ वो विप्रो होगी, और हमारा एज अ डिस्क्लोजर पेयर ट्रेड है, वी आर लॉन्ग ऑन इन्फोसिस एंड शॉर्ट ऑन विप्रो, तो एक हेज भी है, और हमें लगता है जैसे आपने कहा रुपी में मे बी वीकनेस इज डन फॉर द टाइम बींग, जैसे आपने सुझाव दिया हमारा भी ये ओपिनियन है, महीने से तेल में अच्छी घटावट आएगी और
इंप्रूवमेंट और साथ में यूएस में जो बॉन्ड यील्ड्स इतना अटकली डाल रहे हैं, आई थिंक दे कैन ऑल्सो हेज लोअर। तो उस कारण से उस इन्वायरमेंट में अगर रिस्क ऑन ट्रेड आता है तो फाइनेंशियल्स एंड अदर इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव शेयर्स शुड डू वेल। वो इंक्लूड करता है ऑटोज को, होम लोन को और फाइनेंशियल्स को। तो आईटी कैन टेक अ बैक सीट, बट उसमें तीन दिग्गज नाम है, टीसीएस, माइंडट्री और टाटा एलेक्सी, जो किसी भी डिक्लाइन पे आपको लेने चाहिए। चलिए, टीसीएस, टाटा एलेक्सी, हर गिरावट में खरीदे इन स्टॉक्स को, इन पर ध्यान दीजिए। एनबीएफसी कंपनियों में हमने इंडिया बुल्स हाउसिंग की बात की, उसमें तेजी है। दीवान हाउसिंग भले ही बैन में हो लेकिन 617 के लेवल्स आ चुके हैं 3% ऊपर। दो और स्टॉक्स है जो एक्टिव हो चले हैं, एमएनएम फाइनेंशियल और उसके साथ ही मैग्मा फिनकॉप। मैग्मा फिनकॉप 187.80 के आसपास, 188 के लेवल्स आ गए हैं। प्रकाश, इसमें क्या कोई ट्रेड दिख रहा है जाते जाते, और साथ ही कैपिटल फर्स्ट पर भी एक बार नजर डाल लीजिए, बताइए बेहतर ट्रेड क्या होगा? कैपिटल फर्स्ट की बात करें तो मुझे लगता है कि यस, ट्रेड बनता है, लगता है ऐसी जगह पे बॉटमिंग आउट हो रहा है। ऑन द अपसाइड जो पहला टेक्निकल टारगेट होगा 570-572 का, तो उसके बाद भी अगर बढ़ जाता है तो करीब 580 का भी बन जाता है, 580 तक भी ये जा सकता है। तो आखिरी मिनटों में हम आ चुके हैं मैग्मा में, अपू है जरूर, 190-195 का टारगेट जरूर नजर आता है, अप ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट। अगली कॉल हम लेते हैं यहाँ पे, लेकिन उसके पहले जरा बाजार में देखिए कि जाते जाते आज लोग कौन से स्टॉक लेके जा रहे हैं। हमने क्रूड का प्ले पकड़ने की कोशिश की, करेंसी का प्ले पकड़ने की कोशिश की, बेंगलोर केमिकल एक स्टॉक हर्षदा सुबह से आज आपके रडार पे रहा है, ये नतीजे काफी बढ़िया आ रहे हैं, 3.5% देखिए पिछले 20 मिनट में ये और बढ़ गया है और अब फाइनली 8% ऊपर बंद होने की तैयारी में है। पेज इंडस्ट्री 6.5% ऊपर आ गया, 3% की तेजी पिछले 15-20 मिनटों में और आती हुई दिखाई दी है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, अनंत राज, ये कुछ और स्टॉक्स हैं। चेन्नई पेट्रो की भी काफ़ी पिटाई हुई थी और अब ये भी शायद रिवर्सल वैसा ही दिखाई दे रहा है, शॉर्ट कवरिंग होती हुई जैसी हमने दूसरे तेल कंपनियों के मामले में देखी है। तो ये भी स्टॉक तेज़ी से ऊपर आ रहा है इस वक्त। एमसीएक्स में जाते जाते भी थोड़ी खरीदारी फिर लौटी है, तो दिन के हाइस के आसपास ही ये बंद होगा। केआरबीएल, इस पर भी तेज़ी बनी है, फाइनली कुछ 5% ऊपर। और एवेन्यू सुपरमार्ट 1503 पर आ गया है। ये देखिए, कल हम आपको कह रहे थे कि डील हो चुकी है, अब मौका आखिरी है, ले लीजिए, फिर मौका नहीं मिलेगा, और 7% और ये ऊपर आया। और इसमें दरअसल हफ्ते की शुरुआत में जो खबर आई उसके बाद तो लोस तोड़े नहीं। इस हफ्ते का चार्ट आपको दिखाते हैं, बुरी खबर अच्छे स्टॉक में आए तो वहां पर निवेश करना चाहिए, ये बात जो हमारे एक्सपर्ट्स अभी इस शो में भी कह रहे थे, उसका मतलब क्या है ये देखिए, इसका हफ्ते भर का चार्ट आपके सामने लेकर आएंगे और आपको अंदाजा लगेगा कि किस तरह से ये स्टॉक जोरों से गिरा इस खबर पे कि इसके प्रमोटर हिस्सा बेचने वाले हैं, और 1% के आसपास वो हिस्सा था, लेकिन उसके चलते स्टॉक पे इतना भारी दबाव पड़ा। ये देखिए, तेजी से गिरा था और पूरी रिकवरी हो चुकी है, तो 1300-1350 के आसपास, 1325-1350 के आसपास के लेवल आपको दिखाई दिए, और अगर आपने उस मौके का फायदा उठाया तो 3 दिनों के अंदर ये वापस 1500 पे लौट चुका है, जहां पे ये एक स्टार परफॉर्मर जिस पर आपको जरूर नजर रखनी चाहिए। आज जबरदस्त वॉल्यूम भी हुए हैं, करीब करीब दुगने वॉल्यूम है, यानी अच्छी खरीदारी आज भी देखने को मिली है, लोगों ने मौका बिल्कुल नहीं चुका है। प्रदीप, यहाँ पर काफी बढ़िया ट्रेड और बाजार आज देखिए, फ्राइडे के दिन काफी बढ़िया रिटर्न्स कमा कर दिए हैं, 10600 के पार निफ्टी टिका है, 100 पॉइंट की बढ़त, 295 पॉइंट का उछाल सेंसेक्स में, और मिड कैप तो आपका दिल ही खुश कर देगा, 375 अंकों से ज्यादा का उछाल देखा जा रहा है इस समय, जो क्लोजिंग का लेवल है 18,805। मिड कैप में लोगों ने ऐसी पोजीशन ली है आज कि शायद कल मौका ही ना मिले, और निफ्टी बैंक ने भी आउट परफॉर्म किया, 25,200 का टारगेट वागले साहब का था, 25,300 पर निफ्टी बैंक आ गया है और 278 अंकों की बढ़त। तो चौतरफा खरीदारी वाला जो दिन आप कहते हैं वो आज का दिन एक क्लासिक एग्जाम्पल है, रफ्तार दिन भर कायम रही और काफी बढ़िया रिटर्न्स, दिग्गज तो भागे हैं ही, मिड कैप्स ने आउट परफॉर्म किया, कुछ स्मॉल कैप शेयरों में भी जमकर खरीदारी हुई है। और बढ़िया देखिए बात क्या है, कच्चे तेल में जो उबाल था वो थोड़ा सा दबाव में आया, $77 के आसपास अब कच्चा तेल ब्रेंट के भाव है, रुपया जो लगातार कमजोर हो रहा था ये 68 के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो ये एक और पॉजिटिव। और ऑफकोर्स ग्लोबल मार्केट्स में अमेरिका में जो कुछ मुनाफा वसूली दिख रही थी, डाउ फ्यूचर्स की ओर से इशारा लास्ट जब मैंने चेक किया था वो यही था कि बढ़त के साथ बाजार खुलेंगे, तो ग्लोबल मार्केट्स भी एकदम चुस्त, क्रूड की हालत भी नियंत्रण में और भारतीय बाजारों में तेजी ही तेजी। बिल्कुल, जो कि हम सुबह कह भी रहे थे कि हमारे लिए जो मतलब की बात है वो शेयर बाजार में नहीं है, दुनिया के करेंसी मार्केट, दुनिया के कमोडिटी मार्केट, यही हमारी थीम थी।
आज सुबह से हमने आपको बताया था और वहीं से ये पूरा मुनाफा आया। इंटरेस्टिंगली रिश्ता देखिए, जब हम चार्ट की बात कर रहे थे और 10630 मैंने कहा था, 10628 के करीब टॉप बना है उसी वक्त के आसपास, और आखिरी घंटे में बाजार नीचे आया है। तो ये लेवल फिलहाल निफ्टी के लिए मुनाफा वसूली वाला दिखाई दिया। प्रदीप, आजकल ट्विटर पर फ्राइडे के दिन लोग कहते हैं #FriDay ₹550-580 के ऊपर जो क्लोज हुआ है वो मेरे लिए पॉजिटिव है। इनफैक्ट 600 के ऊपर भी क्लोज हुआ है। मैं समझता हूँ ये रैली को 10,680 से 10,700 तक की अपसाइड में देखूंगा। ऑन द डाउनसाइड 550-530 ये लेवल्स होल्ड करने चाहिए, और ये होते हैं तो मैं समझता हूँ कि हम शॉर्ट टर्म बॉटम बन गया ऐसा कह सकते हैं। फिर हम थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे 10,500-700 में, लेकिन 10,400 का जो बॉटम बना है वो होल्ड करना चाहिए। एक्सपायरी की चुकी हजदा आपने बात की, तो एक इंटरेस्टिंग बात है कि पिछली सीरीज काफी अच्छी रही थी। उसके पहले की सीरीज अगर आप मार्च की देखें और फरवरी, तो दो सीरीज की गिरावट के बाद पिछली सीरीज अच्छी, और इस बार हमने इस सीरीज का हाई देखा है 10,930 और इस सीरीज का लो हमने देखा है 10,417 दो दिन पहले, और अब हम उसके कहीं बीच में है थोड़ा सा। एक्सपायरी कहाँ होगी ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा समझना। प्रकाश, आप कोई गेस करना चाहेंगे? बिल्कुल, मुझे लगता है 10,675 से 10,733 ये एक जोन है, वहां तक तो जरूर मार्केट जाएगा। एक्सपायरी वहां तक जा सकती है, वहां पे कहीं एक्सपायरी हो सकती है 675 से, मतलब 10,700 प्लस माइनस 35। एब्सोल्युटली, अब समझ में आया। बहुत कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपने बहुत सारे प्रिसाइज मैथमेटिकल नंबर्स दिए, क्योंकि मैं ज्योमेट्री यूज करता हूं। ओके, चलिए वक्त है इजाजत लेने का। आप सभी से बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रकाश, साथ ही विकास सालुंखे, संदीप वागले, भसीन साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और अविनाश, आपका भी शुक्रिया। और आज का नतीजा देखिए, आज